मेरा जो सेकंड बेबी है वो भी 3 मंथ्स का है और पिछले 2.5 महीने से मैं इस्तेमाल फिशर प्राइस का बॉटल स्टेरिलाइजर। सो जब भी वो 15 डेज का ही था तभी आई रियलाइज्ड कि यार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड तो नहीं हो पा रहा है, मुझे बॉटल फीड देना ही पड़ेगा। और बॉटल फीड अगर मैं तो दे रही हूँ उसकी वजह से मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है भगोनी में बॉटल को गर्म करने में, प्लस वो उतना हाइजीनिक भी नहीं होती। सो आई थॉट कि मैं जो है वो एक बॉटल स्टेरिलाइजर में इन्वेस्ट करूँ, एंड जो मुझे अमेजोन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था दैट वॉज फिशर। सो चलो इसको परचेस करते हैं। ऑल्दो देयर वॉज सम नेगेटिव रिव्यूज एज वेल जिसके बारे में मैं अभी आगे वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मॉम किट एक्सप्रेस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किक का कॉन्टेंट और देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो बॉटल स्टेरिलाइजर है इसने मेरा इतना काम कम किया है, अकेले एक्चुअली मेरा ही नहीं, मेरे हस्बैंड का भी काम जो है वो बहुत कम किया है। बिकॉज ये जो बॉटल क्लीनिंग का बॉटल स्टेरिलाइजिंग का काम जो है वो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उसमें मेरे को हेल्प करते हैं। सो उनका भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है। सो एक्चुअली मेरा जो बेटा है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर नहीं है बिकॉज ऑफ सेवरल अदर फैक्टर्स। सो उसको बॉटल फीड भी देना पड़ता है, तो बॉटल फीड के दौरान में ये परेशानी आ रही थी कि उसकी हाइजीन को मेंटेन करने में थोड़ा सा मुझे वो उतना भगोनी वाला सिस्टम उतना पसंद आ नहीं रहा था। जो गैस पे भगोनी पड़ी रहती है ना वो भी यूँ कहती है कि यार इसको हटाओ, किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रही है। सो हमने सोचा कि चलो एक जो है वो बॉटल स्टेरिलाइजर लेते हैं। हमने फिशर प्राइस का लिया। फिशर प्राइस में 2 ऑप्शन जिसमें ड्राई भी हो जाते हैं और एक था कि सिर्फ स्टेरिलाइज हो जाता है। सो हमने स्टेरिलाइज वाला लिया क्योंकि ड्राई वाले में बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ थे, तो आई एम नॉट श्योर कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है या क्या है। सो यहाँ पे जो मेरे पास में वो सिर्फ स्टेरिलाइज करता है एंड ये 2000 के आसपास था एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और यूजुअली ये सेम प्राइस पर ही रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती। 2-in-1 बॉटल स्टेरिलाइजर है। 2-in-1 का मतलब ये है 6 बॉटल्स से स्टेरिलाइज कर ही सकते हो। इसके साथ साथ इसमें ऊपर एक ट्रे दी जाती है जिसमें आप चीज़ों को भी स्टेरिलाइज कर सकते हो। इट कुड बी टीदर, फिर जो निबलर होते हैं ना फूड निबलर्स, वो भी आप स्टेरिलाइज कर सकते हो। बच्चे की आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें स्टेरिलाइज कर सकते हो। बच्चे के टॉयज को भी इवन स्टेरिलाइज कर सकते हो। 6 बॉटल्स जो है वो आप इसमें एक बार में स्टेरिलाइज कर सकते हैं। 6 बॉटल में जो फिलिप्स की बड़ी वाली बॉटल आती है ना 250 ml वाली, वो बॉटल आराम से इसमें सेट हो जाती हैं और उसके बाद भी काफ़ी स्पेस रहता है, तो आई थिंक 300 ml वाली भी जो बॉटल है इसमें अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाएंगी। काफ़ी स्पेशियस है ये, तो 6 बॉटल बड़ी बड़ी इसमें स्टेरिलाइज हो जाती है। अगर आप बॉटल को इसी स्टेरिलाइजर में पड़े रहने देते हैं तो ये 12 आवर्स तक ये स्टेरिलाइज्ड इन्वायरमेंट बना के रखता है। आपकी बॉटल्स जो है वो 12 घंटे तक इस स्टेरिलाइजर के अंदर क्लीन रहेंगी। सो मेरे लिए ना सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ना ही सिर्फ टाइमर ख़त्म होने पर कट ऑफ हो जाती है, बट अगर आप इसमें आपने पानी डाला है और वो पानी ख़त्म हो गया है ना तो भी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है। क्योंकि क्या होगा अगर आपका जो इसमें पानी डाला हुआ है स्टेरिलाइजिंग के लिए वो ख़त्म हो गया और मशीन फिर भी चलती रही तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और वो काफ़ी सेफ नहीं रहेगा ऑब्वियसली। इसलिए जब भी इसमें पानी ख़त्म होता है तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है। क्योंकि कई बार जब हम चीज़ें काम कर रहे होते हैं और बच्चों की वजह से भी खुद का दिमाग भी ऐसा रहता है कि ध्यान नहीं रहता कि हम भूल जाते हैं समटाइम्स चीज़ें करना जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उस केस में ना ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि हेल्पफुल है इसका ये फीचर। और साथ साथ इसका जो मटेरियल है वो फूड ग्रेड सारे पैरामीटर्स को चेक करता है, साथ ही साथ ये BPA मटेरियल से भी बना हुआ है जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए काफ़ी सेफ माना जाता है ना। बिल्कुल भी सिर्फ आपको एक डायल मिलता है, सिर्फ उसको ही आपको घुमाना है, बस टाइमर लगाना है कि आपको बहुत ही अच्छे स्टेरिलाइज करना है तो आपको मैक्सिमम कर देना है, अदरवाइज आप इसको मीडियम पे भी कर सकते हैं जो कि 12 मिनट के करीब लेता है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 डायल से इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक पेयर ऑफ टोंग्स भी मिलता है, गर्म बॉटल ढक्कन निप्पल कुछ भी ऐसा जो अभी रिसेंटली आपने स्टेरिलाइज किया है एंड इट इज़ वेरी हॉट, देन यू कैन यूज दिस पेयर ऑफ टोंग्स टू पिक इट अप। आई थिंक जिनके भी घर में न्यू बॉर्न है
उनके घर में फिशर प्राइस का बॉटल स्टेरिलाइजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। आप कोई भी बॉटल स्टेरिलाइजर ले सकते हैं, आप एक बार उसके रिव्यूज जरूर चेक कर लीजिए अमेजोन पे, आप वीडियोज भी थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। जब मेरी डॉटर हुई थी एट दैट टाइम आई यूज टू यूज दिस लव लैब का बॉटल स्टेरिलाइजर, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। यू कैन यूज़ दैट एज वेल एंड यू कैन यूज़ फिशर प्राइस का बॉटल स्टेरिलाइजर, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट बॉटल स्टेरिलाइजर आपको यूज़ ज़रूर करना है, और आपको जैसे आपके बच्चे ने बॉटल से दूध पिया, उस बॉटल को आपको लिक्विड क्लिनजर से क्लीन करना है अच्छे से ब्रश की हेल्प से, और उन बॉटल्स को क्लीन करने के बाद में आपको इस फिशर प्राइस के बॉटल स्टेरिलाइजर में आपको उन बॉटल को फिक्स कर देना है। देन योर बॉटल इज रेडी टू स्टेरिलाइज और बहुत ही अच्छे से आपकी बॉटल को स्टेरिलाइज कर दे। अगर इस वीडियो ने आपका डिसीजन जो है वो आसान बनाया है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। या फिर कोई भी ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं जिनके बच्चे बहुत छोटू से हैं एंड वो बॉटल फीड करते हैं, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम ऑल्सो, सो दैट वो अपने बच्चे की हाइजीन और हेल्थ का पूरा ध्यान रख सके। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।